श्रीचैतन्य मनोभष्ट स्था भूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वद वंदे अहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरो श्री वैष्णवास््री साग्र जा सगणरघुनाथन् तम सजीव सात साधुतम परिजन सहित श्री राधा पादान पाद ललिता श्री विशाखान्वता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते राधाकान्त नमोस्तुते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यास तत जया नष्ट नष्ट्रायसु अभद्रेशु नि भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती की ओ शांति 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 प्रणाम जय गोपाल मेरे प्रिय बहन भाइयों सत्संग प्रेमी जनों स्वागत है आप लोगों का श्रीमद् भागवत गीता सत्संग समारोह में आइए इसका रस पान कीजिए भक्ति रस की वर्षा हो रही है उसका आनंद लीजिए श्रीमद् भागवत गीता के मिडिल के बीच वाले छ अध्याय पूर्णतया भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं जीवात्मा को एक से छ तक अध्याय कर्म की रूपरेखा ध्यान की रूपरेखा ज्ञान की रूपरेखा में है कहे हैं भगवान ने सात से और बारह तक छह अध्याय जो है भक्ति के रस में विभोर है की भक्ति रस की बारिश हो रही है इन अध्यायों में बाकी ज्ञान को और विस्तार से भक्ति को कर्म को और विस्तार से कहा गया है आगे वाले छह अध्यायों में यानी कि तेरह से और अठारह अध्याय तक इसलिए जो बीच का धड़ जो छह अध्यायों का धड़ स्वरूप है ये गीता का धड़ कहलाया है और अगल बगल के दोनों पंख हैं ये दोनों पंखों से गीता ज्ञान को लेकर उड़ती है पूरे ब्रह्मांड में सबको लाभान्वित करती है गीता का सत्संग महासत्संग है जीवात्मा के कल्याण के लिए तो आइए आज के सत्संग में हम प्रारंभ करते हैं पिछले सत्संग की कड़ी से आज की कड़ी को जोड़ते हुए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नौ है और श्लोक संख्या तीस इकतीस बत्तीस है भगवान ने इन श्लोकों में कहा है कि कोई दुराचारी आदमी भी हो दुराचरण करने वाला पापिष्ट हो सदना कसाई जैसा भी वह भी भगवान की शरण लेकर के पवित्र हो जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है फिर भगवान ने कहा है कि क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौनते प्रति जानी न भक्तः भक्त प्रणश्यति एक कौनते एक दुराचारी व्यक्ति भी मेरी शरण लेकर के शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तो ये दो वस्तु यहां पर है एक तो धर्मात्मा है एक दुरात्मा है दुरात्मा है जिसकी भावना गंदी है वो तो गंदी भावना बुरे कर्म करती है बुरा व्यवहार करती है तो उसको दुरात्मा कहा है और धर्मात्मा है जिसकी भावना शुद्ध है पवित्र है तो धर्मात्मा मिलना मिलना बड़ा कठिन है धर्म आत्मा उसी को कहा है जिसकी जिसकी भावना पवित्र हो यह आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और इसकी जो भावना है ओरिजिनल स्थिति ओरिजिनल नेचर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन जब ये पवित्र आत्मा के रूप में है उस समय इस पवित्र आत्मा जो होती है जिसमें प्रेम भरा रहता है ज्ञान भरा रहता है दया क्षमा भरी रहती है सारे गुण विद्यमान होते हैं वो धर्म धर्म का मतलब ही स्वभाव से है वो ओरिजिनल स्वभाव आपका मूल स्वभाव तो मूल नेचर मूल प्रकृति तो आपकी मूल प्रकृति क्या है प्रेम स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है क्षमा स्वरूप है सत्य स्वरूपा है तो जो आत्मा के साथ में ये पवित्र भावना होती है तो इसको धर्मात्मा कहा है और जब इसी आत्मा के साथ में गंदी मलिन भावना होती है तो इसको दुरात्मा कहा है क्षिप्रम यानी शीघ्र ही ऐसा दुराचारी व्यक्ति जो मेरी शरण लेता है मुझे भजता है वाल्मीकि जी की तरह मरा मरा राम 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 या सदना कसाई की तरह भगता है शिप्रम भवती धर्मात्मा वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है शीघ्र शीघ्र ही जो परमेश्वर की शरण में रह के उस भगवान को भजता है उनकी सेवा करता है उनका भजन करता है उनके लिए नाचता गाता है उनके उनको रिझाता है उनको रिझाने के लिए कर्म करता है कर्म करता है दान करता है यज्ञ करता है उनका फल भगवान को अर्पण करता है सत्य को अर्पण करता है क्षिप्रण भवति धर्मात्मा शांति में निगत तो ऐसे व्यक्ति को शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाती है इटर्नल पीस यह युद्ध होते हैं तो हल्ला मच जाता है लोग भयभीत हो जाते हैं जब युद्ध बंद हो जाता है एक दो देशों का तो बोलते शांति हो गई ये शांति कितने दिन होगी ये शांति की वैल्यू क्या है और ये शांति भी क्या खाक शांति है इस शांति में फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले युद्ध की अगले देश के साथ तो ये शांति भी शांति नहीं है ये तो तैयारियां हैं अगले युद्ध की जो भगवान कह रहे हैं ये ये शांति शाश्वत शांति है इटर्नल शांति सनातन शांति और शान, सनातन शांति सनातन शांति तो भगवान के धाम में ही मिलती है वैकुंठ में मिलती है ये भौतिक संसार में नहीं इसलिए भगवान ने कहा है कि क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगत कौनते प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्य हे कुंती नंदन तू घोषणा कर दे कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता देवी देवताओं के और जब हम जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है रावण शंकर भगवान का भक्त था हिरणाक्ष ब्रह्मा जी का भक्त था अरणाकश ऐसे अनेकों भक्तों की गाथाएं हैं जो देवी देवताओं के भक्त थे और उनका नाश होता है नष्ट होता है नष्ट हो जाते हैं क्योंकि देवी देवताओं से वो संसार के भोग मांगते हैं नष्ट हो जाते हैं रावण भी अपने सरों को काट काट के हवन करता है शंकर भगवान के लिए आहुति देता है यज्ञ किस लिए संसार के भोग मांगने के लिए सोने की लंका मांगने के लिए कुबेर से कुबेर से लंका छीनने के लिए फिर सो क्या हाल हुआ सोने की लंका भी जल गई उसका परिवार भी जल गया सारे राक्षस सर्वनाश हो गया श्यपों का भी यही हुआ ब्रह्मा जी से अनेकों वरदान मांगे फिर भी नरसिंह भगवान ने आके उसको चीर फाड़ के खत्म किया असुर कुल को ध्वंस किया हम देवी देवताओं के पास जाते वैष्णो माता के पास जाते संसार की वस्तु मांगते हैं कि मैया मुझे पुत्र देना मैया मुझे पुत्र देना बहुत समय हो गया कोई एक पुत्र भी नहीं हुआ एक पुत्र देना उनके आशीर्वाद से एक पुत्र मिल जाता है तो क्या आपका कल्याण हो गया पुत्र के मिलने से या कार के मिलने से या पद के मिलने से नहीं इन भोगों में उलझ के आपका पतन होता है कल्याण नहीं होता पूत का भी क्या पता है वो सपूत है या कुपूत है कैसा निकले भविष्य में आपको ऊपर से नीचे गिराने वाला पुत्र पैदा हुआ है या थोड़ा ऊपर ले जाने वाला उठाने वाला हुआ है समझ में नहीं आता बात अंधेरे में ही रह जाती है नहीं संसारिक भोग विलास मांगोगे तो पता नहीं होगा निश्चित रूप से स्वर्ग में भी भोग विलास करते करते ही तो पूर्ण खत्म होते हैं और देवताओं को नीचे आना पड़ता है उनका पतन हो जाता है भगवान कहते हैं कि नक्ता प्रवेशती अर्जुन घोषणा कर दे शंख बजा करके कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि साक्षात नारायण उसकी रक्षा करते हैं उसको अपने धाम इटर्नल आध्यात्मिक जगत में बुला लेते हैं वैकुंठ जगत में बुला लेते हैं बैकुंठ जगत में नाश नहीं है वहां भक्तों का नाश नहीं है वहां तो अजर अमरता है वह सच्चिदानंद शरीर की प्राप्ति होती है सच्चिदानंद आत्मा को और वो सच्चिदानंद तरुण शरीर से वो सच्चिदानंद घनश्याम को तरुण घनश्याम को सदैव आनंदित करते रहते हैं उनके भक्त परम शुद्ध भक्त उनके आलिंगन में रहते हैं उनके एसोसिएशन में रहते हैं उनके साथ आनंद मग्न रहते हैं उनका नाश कैसे होगा इटर्निटी का नाश हुआ है कभी कभी नहीं होता आत्मा का नाश हुआ है कभी कभी नहीं होता लेकिन यहां पर जो भौतिक ये सब नष्ट होता है और देवी देवताओं का अधिकार नहीं है आपको मुक्त करने का देवी देवता यदि किसी के ऊपर प्रसन्न हो भी गए तो उनको आशीर्वाद दे सकते हैं भौतिक वस्तु का वरदान दे सकते हैं संसार के भोगों का मुक्ति का नहीं मोक्ष का नहीं और ऐसे भौतिक भोगों के लालयित आदमी वो शंकर भगवान की आराधना करके भी मुक्ति नहीं मांगते वो तो भोग विलास मांगते हैं सोने की लंका मांगते हैं। या फिर तरह तरह के वरदान मांगते हैं मैं जल में मरू ना थल में मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू आकाश में मरू ना धरती पर मरू नर से मरू ना बानर से मरू तो आशीर्वाद तो दे देते हैं ब्रह्मा लेकिन फिर भी कमी रह गई और फिर नष्ट हो जाता है आदमी भगवान कहते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता वो शाश्वत को प्राप्त हो जाता है अजर अमरता को प्राप्त हो जाता है भगवान श्री कृष्ण का भक्त जब भगवान के धाम में जाता है वहां उसको भी वैसा ही शरीर मिलता है जैसा भगवान का शरीर है सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद शरीर की प्राप्ति होती है हम लोगों ने आध्यात्मिक शरीर देखे हैं सुने हैं लेकिन कभी सुना नहीं होगा आपने कि हम भौतिक शरीर तो सुने हैं लेकिन आध्यात्मिक शरीरों के बारे में नहीं सुना होगा नहीं जैसे भौतिक शरीर होते हैं ऐसे ये भौतिक संसार है तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में जाओगे तो वहां पर आध्यात्मिक शरीर मिलते हैं तो संदेह यह होता है कि हमने कभी जाना नहीं अनुभव भी नहीं फिर शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं कोई सत्संग भी नहीं फिर जाने कहाँ से ये वैष्णवों के वाक्य हैं चैतन्य महाप्रभु के वाक्य हैं शास्त्रों के वाक्य हैं वेद व्यास जी की लिखावट है कि भगवान के धाम में जो भगवान को साकार स्वरूप से पाना चाहते हैं उनको साकार शरीर मिलते हैं और साकार शरीर से भगवान की सेवा में रहते हैं भगवान का आलिंगन करते हैं वो परम आनंद को लूटते हैं निराकार के प्रेमी निराकार में जाते हैं वह मर्ज होते हैं निराकार वो ज्योति स्वरूपा अनंत ज्योति में मर्ज हो जाते हैं जैसे बूंद सागर में समा जाती है ठीक वैसे ही अनंत बूंदों से सागर बना है एक बूंद आके फिर उसमें मिल जाए तो वो भी सागर बन जाती है आईडी खो जाती है परिचय खो जाता है एक जैसी ब्रह्म ज्योति दिखाई देती है ब्रह्म ज्योति में अनंत आत्माएं संदेह नहीं लेकिन लगेगा एक ज्योति एक प्रकाश करोड़ों लाखों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो ऐसे प्रकाश ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक प्रकाश वो भी ईश्वर का एक रूप है ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक विराट स्वरूप है वो आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान का साकार स्वरूप ब्रह्म ज्योति से परे है इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम ये ब्रह्म ज्योति का प्रतिष्ठा यानी आधार, आधार। ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम अमृत व्यय शाश्वतस्य च शा धर्मश शा। सुखश ही कांतिकश ये भी अजर अमर है शाश्वत है आनंद देने वाली है अद्वैत स्वरूपा है धर्म स्वरूपा है ओरिजिनल नेचर है स्पिरिचुअल नेचर है धर्म स्वरूप है शाश्वतम चय धर्मश्व सुखश्चय एकांतिक और सुख देने वाली आनंद देने वाली है ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा हम अमृत अमृत स्वरूपा है स्वरूप है क्षय नहीं होती राश नहीं होता ब्रह्म ज्योति लेकिन मेरा साकार स्वरूप ये भी मेरा स्वरूप है भगवान ने विराट स्वरूप दिखलाया अर्जुन को कहा अर्जुन ये मेरा विराट स्वरूप है ये सारा भौतिक लेकिन भगवान कहते हैं ब्रह्म ज्योति भी मेरा स्वरूप है वो आध्यात्मिक स्वरूप है स्पिरिचुअल नेचर है मेरी लेकिन मैं उसका वेश हूं वेश हूं आधार हूं ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम मैं इस ब्रह्म ज्योति का आधार हूं ये मेरे धाम से प्रकाशित लाखों सूर्यों जैसा प्रकाश इटरनल लाइट ब्रह्म ज्योति है श्याम सुंदर तरुण अवस्था में है अद्वैतम अच्युतम अनादिम रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तों पुरुषम तम आम भज सद तरुण अवस्था में रहने वाले अचिंत्य रूपम भगवान श्याम सुंदर का रूप का वर्णन मन और बुद्धि से परे की बात है तो कैसे करे कौन करे कौन सा कवि है जो करे मन और बुद्धि से तो वर्णन नहीं होता तब भगवान का शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा भक्त्याम अभिजानातीन्याश्मी तत्वता ततो माम, ततो तो माम तत्व तो ज्ञातवा तदनंतरम ओनली बाय रेंडरिंग सर्विस लविंग कैन अंडरस्टैंड मी नो एनी अदर वे भक्त्या माम अभी जाना केवल भक्ति से मैं जाना जा सकता हूं कि मैं कौन हूं लोग भगवान के भक्त नहीं बनते और टीका टिप्पणी करते हैं भागवत गीता के ऊपर उनकी वाणी को ऐसे तोड़ मरोड़ देते हैं कि कृष्ण का नाम निशानी मिट जाए तो फिर ऐसे लोग चाहे वो स्कॉलर्स हो या कोई दूसरे दूसरे अश्रवृत्ति के महात्मा हो अज्ञानी हो मूर्छित अवस्था में जीने वाले हों कैसे उस प्रभु को पहचाने नहीं पहचान सकते अब जानती माम मूढ़ा ये मूर्छित लोग मुझे नहीं जानते अर्जुन मेरी परम भावना को नहीं जानते मैं भी मेरा शरीर भी मनुष्य का जैसा शरीर है दो भुजाएं हैं दो आंख हैं दो कान हैं सांवला रूप है मयूर मुकुट माथे पर है हाथ में बंसी है काचनी पीतांबरी है कमर में दुपट्टा कसा हुआ है कांधे पे काली कामर है सांवला स्वरूप है रंग है मेरा मुख पर मुस्कान है नैन कमल दल जैसे शीतल सुगंधित करुणा भरे दया भरे प्रेम भरे प्रेम का स्वरूप हूं ये मूर्छित लोग मुझे क्या पहचानेंगे मेरी परम भावनाओं को कैसे जानेंगे ये मुझसे द्वेष करने वाले लोग मुझे कैसे पहचान सकते हैं अव जानती माममूढ़ा मानुसिम तनु महाश्रितम मैं मेरा शरीर भी मनुष्य का जैसा शरीर है मैं भी खाता हूं पीता हूं उठता हूं बैठता हूं मेरे भक्तों को आलिंगन करता हूं वार्तालाप करता हूं बंसी बजाता हूं माखन चुराता हूं मटकियां फोड़ता हूं कैसे जानेंगे मुझे मैं भी ग्वालों के साथ रहता हूं मेरा परम रूप ही ग्वाले का है तो ये बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े बुद्धिमान बड़े बड़े फिलोसफर हाउ दे कैन अंडरस्टैंड मी कैन नॉट नॉट पॉसिबल अब जानती माम मूढ़ा मानुसि तनुमाश्रम परम भाव में मम भूत महेश्वरम उनको वो जानते नहीं कि मेरा ये श्री विग्रह शरीर ये महा ईश्वर का शरीर है मेरी परम भावना को नहीं पहचानते जो एक परमेश्वर के पास होती है परमेश्वर की भावना को नहीं पहचानते वो अपने जैसा समझते हैं और मुझे इग्नोर करते हैं डिराइड करते हैं मुझे नकारते हैं मुझे अपने जैसा समझते हैं या अपना मनुष्यता दिखाते हैं मेरे साथ भक्त्या माम अभी जाना थी या वान्यश्चा तत्वता तत्व तत्व तो ज्ञातवा तदनंतरम केवल भक्ति से मैं जाना जा सकता हूं और जो मुझे जान लेता है वो मेरे धाम में प्रवेश कर जाता है मेरे पास आ जाता है इस संसार में नहीं रहता तो शुद्ध वक्तों की भगवान को पहचान है उन्होंने उनकी प्रार्थनाएं की है उनकी कीर्ति का गान किया है उनसे हमको ये जान पहचान होती है कि परमेश्वर की रूपरेखा कैसी है यहां पर ब्रह्मा जी ने कहा है कि नव चय, वो सदैव तरुण अवस्था में रहने वाले अद्वैत उनके जैसा कोई नहीं है दोनों जहां में ना आध्यात्मिक वैकुंठ जगत में ना भौतिक में अद्वैतम अच्युतम कभी गिरते नहीं अपनी पोजिशन से कभी नहीं अद्वैतम अच्युतम अनादिम और आदि और अनादि अल्फा एंड ओमेगा है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम उनके रूप का अंत नहीं है जितने कहो उतना कम है अनंत रूप है उनके अनंत रूप हैं उन प्रभु के अनंत रूप है अपने रूप के अलावा ये अनंत ब्रह्मांडों में अनंत विष्णु हैं, अनंत शिव हैं, अनंत ब्रह्मा हैं, अनंत महाविष्णु हैं, अनंत गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, अनंत क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं। वैकुंठ जगत के अनंत धामों में अनंत नारायण हैं, वासुदेव हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं, संकर्षण हैं। ये सब भगवान के रूप हैं ये अनंत रूप हैं अनादिम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आदि पुराण पुरुषम नव वेदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्म तो ए बड़े बड़े फिलोसफर्स ज्ञानी बहस वार्ताओं से तर्क शास्त्रों से बड़ी बड़ी डिग्रियों डिग्री प्राप्त करके मुझे जानना चाहते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट ये बड़ा दुर्लभ है मुझे पहचानना जानना वेदे दुर्लभ वेदों से भी मैं नहीं जाना जा सकता केवल वेदांत सूत्र मेरी और इशारा करता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें अब उस परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा करें यह पहली लाइन है दे दी है वेदांत सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अब तक तो हमने चारों वेदों में जो जो बातें करी ये त्रिगुणात्मक है त्रय गुण विष्यार वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो नित्य निर्योग क्षेम आत्मान त्रैगुण विषय विशार्वे। त्रैगुण विषय वेदा निष्ठ ये विषय अब तक तो चारों वेदों की चर्चाएं करते रहे अब आइए हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें ये ब्रह्म सूत्र में पहली लाइन है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अब हम भगवान की चर्चाएं करें आइए वेदांत सूत्र से इशारा मिलता है वो देव की पुत्र का वो परमेश्वर का नारायण का गोविंद का राधा माधव का अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी ओपनिंग अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी एक सौ चौदह डैश पंद्रह अटलांटिक एवेन्यू रेचमेंट हिल न्यूयॉर्क तेरे किसी भी जानकारी ली? लिखे नंबर कॉल करो अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी रेचमेंट हिल